तो वही सुबह के बज रहे हैं 6:10, ठीक है। और मौसम देख लो, कैसे हो सारे लोग। दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो चुकी थी। मौसम देखा था क्या केड़ा बना हुआ था, क्या बात है। मतलब बैटरी का लोड टेस्ट हो रहा भाई। इस बाइक को परचेज करने में मेरे से कुछ गलतियां भी हुई हैं, आज उन गलतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाई ये देख लो, ये जो पेड़ गिरा हुआ है ना, इसी से पता चल जाएगा कि कल रात को क्या हुआ है। भाई इतनी तगड़ी आंधी आ रही थी ना कल रात को, दिमाग घूम गया था अगले बंदों का। और ये स्कूटी पे आपने देखा था ना, ये चश्मे वाला लड़का, ये पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर फिर धीरे 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 सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, फिर ये स्कूल ही मैंने छोड़ दिया, उसके बाद ये बंदा जो है फिर इधर उधर हो गया। बस अब थोड़ा सा भीड़ से हटेंगे, पहुँचते अपनी जगह पर, उसके बाद बात करते हैं। भाई ये पॉइंट लग रहा है मेरे को थोड़ा सा सही, ठीक है, और यहाँ लोग भी कम है। हमारा भाई पॉइंट्स नोट करके लेके आया है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो गलती हो जाती है ना वो ध्यान नहीं रहती। तो पहले तो सबसे पहले बंदा देखो, ठीक है, कि बंदा है कैसा, उसका नेचर कैसा है, क्योंकि जैसा बंदा का नेचर होगा उसी हिसाब से उसने बाइक रखी होगी। दूसरी चीज़, बाइक की कंडीशन देखो, बाइक कैसी रखी है उसने, साफ़ रखी है, प्यार से रखी है। अगर आप प्यार से रखने वाले हो तो आपको खुद पता होगा कि ऐसे बाइक रखनी चाहिए। तीसरा, बाइक की टेस्ट राइड करके देखो कि बाइक कैसे चल रही है और कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन द स्पॉट। ये नहीं कि भाई आपने पहले बोल दिया उसको कि हाँ ठीक है मैं आऊँगा, उसके बाद आप जो है बाद में आ रहे हो करीब एक हफ्ते बाद, तो वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है उसमें। अब इसके बाद आता है किलोमीटर, आप नोट करो कि कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है, ठीक है। अगर आपने बयाना दे दिया बाइक का, उसके बाद किलोमीटर चलनी नहीं चाहिए बाइक, जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जब जैसे सेकेंड हैंड कोई गाड़ी बेचता हूँ मैं आगे, अगर बयाना हो गया गाड़ी का तो उसके बाद किलोमीटर की फ़ोटो मैं कस्टमर को भेज देता हूँ कि इसके बाद 1 किलोमीटर नहीं चलेगी बाइक, गाड़ी आपकी या बाइक आपकी जो भी है। सर्विस रिकॉर्ड जो है आप चेक करवा सकते हो अगर आपको डाउट होता है कि उसमें काम क्या क्या हो रखा है, क्योंकि उसमें जितने काम हो रखे हैं उसके हिसाब से आपको किलोमीटर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको ये ओडोमीटर जितना दिखता है उसके हिसाब से टायर कंडीशंस देख लो। इस बाइक की हम जो है बात करेंगे, ये देखो इसके टायर की बात करो तो ये बिल्कुल नए की तरीके से बड़े हुए हैं और अभी सिर्फ 7,000 चला है, क्योंकि जो नया टायर होता है वो अराउंड 10 से 12,000 किलोमीटर चल जाता है अगर प्यार से चलाओ। फॉर्म नंबर 2930 जो है आप लेके जाओ साथ में, ताकि इन केस अगर आपको बाइक पसंद नहीं आती है तो आप वहीं पर तुरंत ही जो है वो फॉर्म साइन करवा लो, ताकि बाद में जो है लेट लतीफ़ी ना होगी, हाँ भाई बंदा बिजी हो गया या कुछ हो गया तो बाइक जो है आप पहले वाले ओनर के नाम पर चला रहे हो, तो उससे जो भी चलान आएंगे वो उस बंदे को आएंगे, वो भी परेशान होगा, आप भी परेशान होगे, फिर बेफालतू आप उसके घर जाओ वो जाओ, तो सब पचड़ा हो जाता है। अब आती है सबसे बड़ी बात, अगर बाइक पे कोई लोन है, ठीक है, तो पेमेंट करने से पहले आप उस बंदे को बोलो कि भाई मेरे को NOC निकाल के दे बाइक की, ताकि मैं जो है ये फॉर्म के साथ लगा सकूं, और जो हाइपोथिकेशन बाइक पे चढ़ी हुई है वो हट के आपको RC नई मिल जाए। और अगर कस्टमर कहता नहीं मेरे को कैश पेमेंट करो, तो देखो मैं तो यही बोलता हूँ आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, ताकि इन केस कभी ऐसा होता है तो फर्स्ट ओनर है वो कहीं इस पे बाइक पे FIR कर दे कि मेरी बाइक तो चोरी हो गई, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। और इन केस अगर आपने कैश पेमेंट करी है तो फिर अपना जो सेल लेटर है सेल लेटर पर मेंशन कराओ कि हाँ मैंने इतने पैसे दिए हैं इस बंदे को, और उस बंदे के साइन प्रॉपर करवा के उसके बाद ही बाइक लो अपनी। हर परचेजर कर सकता है गलती कि आप जो है ट्रांसफ़र ना करवाओ और उसके बाद फिर आप जो है दिक्कत में फंस जाओ कि भाई अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, और फिर बाद में अगर आप इन केस आप सेलर के पीछे ही पड़ते हो कि भाई ऐसी ऐसी बात है तू ट्रांसफ़र करवा दे, इन केस उसके पास टाइम नहीं है, फिर क्या आप कर लोगे, फिर आप जो है उसमें परेशानी में रहोगे हर समय, फिर आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा कि भाई कब वो फ्री होगा, जब वो फ्री होगा तब आप उसके पास जाओ। मेरे को जाना है पापा को छोड़ने दिल्ली कैंट शायद, फटाफट रखते हैं बाइक को घर पर और चढ़ जाते हैं गाड़ी पे। भाई छोड़ दिया पिताजी को, अभी शाम के हो रहे 6:45। भाई मेरा तो मन कर रहा है फालूदा खाने का, पता है यार लोग कहते हैं ठेले से फालूदा नहीं खाता, मैं ठेले से फालूदा नहीं खाता, बहुत से लोगों को ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार ठेले से तू खाता है, पर मैं सही बताऊँ मेरे को ठेले से ही खाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ठेले वाले जो चीज़ बनाते हैं ना वो चीज़ शॉप पे नहीं मिलती, और शॉप पे अगर मिलती भी है तो वो मिलती है बहुत महंगी। भाई ये सामने एक गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी में लिखा हुआ एक कॉशन एक्सट्रीम बेस। एक्सट्रीम बेस तो भाई बंदे ने ऐसे लिख रखा है जैसे पता नहीं कितना तगड़ा बेस है, डिक्की फाड़ के निकलेगी है। भाई सीन कुछ ऐसे चल चुके हैं, पेप्सी ले ली है, और ओए बसारी बसारी रुक जा जानते इसको,
अचानक से बारिश शुरू हो गई, आए तो थे फालूदा खाने पर फालूदा फिर बरसने लग गया। अरे भाई जल्दी चला ले यार, कम कैसे हो गया? आई डोंट नो ब्रो, मैंने खींच के चलाई है इतना। कोई नहीं, चल फटाफट जल्दी पिज्जा ऑर्डर करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा आज, अब हम गरीब बन गए ठीक है ना, हम फालूदा नहीं खाएंगे पिज्जा खाएंगे। ओ भाई 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 बारिश, हालांकि मौसम तो हो गया सेक्सी बड़ा। ओ भाई 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 पीछे फिसल रहा, टी फिसल रही मेरी। ओ माय गॉड, ए आराम से रे तो फिसल जाएंगे। ये बेटे क्या मस्त मौसम हो रहा है, नहीं आसमान देखो पूरा काला पड़ा है, क्या सेक्सी मौसम हो रहा है यार, सच्ची में बड़ा सही मौसम हो गया यार। मेरे को उस टाइम बताना ध्यान नहीं रहा, मेरे दोस्त आशीष उसकी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई थी, मतलब वो स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक, तो हमने फिर जब वहाँ पे बाइक स्टार्ट करी सब हुआ, बाइक स्टार्ट हो गई पर जब वापस जब घर पे लगाई तो बाइक फिर से स्टार्ट नहीं हो रही, तो अभी बैटरी पे लोड नहीं है, बाकी एक बार टेस्ट करते हैं। और इसकी बैटरी जो है ओरिजिनल उसमें भी जो है लोड नहीं था, तो मैंने सोचा जंप करके स्टार्ट करनी है एक बार, उसकी बैटरी चार्ज ही करके देख लेते हैं। तो भाई ये अपनी बुलेट और वो अपनी डोमिनार, अब दोनों की बैटरी, उसकी बैटरी चार्ज पड़ी है, इसकी बैटरी जो है डाउन है, दोनों में जंप करते हैं वायर से। भाई मेरे पास है तारों का कुछ सेट ठीक है ना, दिखाता हूँ, अब इन तारों की मदद से हम जो है दूसरी बाइक स्टार्ट करेंगे, अब इसके बाद ये खोलेंगे ये वाली आशीष की बैटरी, फटाफट से ये खोलते हैं, इसमें तो बहुत ईजी होता है, इसमें सीटें नहीं खुलती, मुझे ये बैटरी हटा के इसमें ये वाली बैटरी डालनी पड़ेगी। भाई इसकी बैटरी मैंने लगा तो दी है ये देखो, पर इसकी बैटरी में थोड़ा सा चार्ज बाकी है, अभी सेल्फ लग नहीं रहा है, सेल्फ जरा सा मार तो ये देखो कोई काम नहीं कर रहा, लाइट जलाओ तो बंद हो जाती है और हॉर्न मारो तो बंद हो जाती है। अब इसको यहाँ से किक मार के स्टार्ट करते हैं। भाई आशीष की बैटरी निकाल ली और अपनी बैटरी मैंने वापस लगा दी, और बैटरी में ये वाला टर्मिनल जो है उस वाली बाइक से आ रहा है, और ये टर्मिनल मैंने लगा दिया है इसमें, और ये टर्मिनल जो है नेगेटिव वाला, ये लाल वाली केबल, ये मैं ऐसे टच कराऊंगा ना, ये ऐसे टच कराऊंगा तो देखना ये छोटा सा स्पार्क होगा बस। अब इसी कंडीशन में बाइक स्टार्ट करते हैं एक बार। स्टार्ट हो गई जी, और इस बैटरी पर ख़राबी नहीं है, वो ऐसे पता चलेगा देखो, ये तो भी ठंडी है इस वजह से कर रहा है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, अगर आपको कोई डाउट है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्सक्राइब कर देना चैनल। बस मैंने वही दो तीन चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, और कई लोग जो है गलती कर लेते हैं उसके बाद फंस जाते हैं, तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, मैं जाता हूँ दूसरी वीडियो की तैयारी करने।